हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में वेरिग्नॉन थ्योरम ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका सिक्स्थ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें वेरिग्नॉन थ्योरम का सिक्स्थ प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा, उसके लिए क्वेश्चन रहेगा, थ्री फोर्सेस 1 kN, 3 kN एंड 2.5 kN आर एक्टिंग ऑन अ वर्टिकल पोल ए बी 6 मीटर हाई एज शोन इन फिगर। फाइंड द मैग्नेटिक डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। तो देखिए क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया था वो आपके सामने है। ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। इसके लिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखिए क्वेश्चन हमने आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पे ये एक वर्टिकल पोल है जिसका हाइट है 6 मीटर और ये वर्टिकल पोल पे टोटल 3 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, 1 kN, 3 kN एंड 2.5 kN। और यहां पर क्या फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द मैग्नेटिक डायरेक्शन एंड पोजिशन ऑफ रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। यहां पर ये जो तीनों फोर्सेस है, तीनों फोर्सेस का हमें टोटल रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। हमें यहां पे रिजल्टेंट का मैग्नेटिक डायरेक्शन पोजीशन फाइंड आउट करना है, तो फार्मूला क्या रहेगा, चलो हम आपको यहां पे रिजल्टेंट का फार्मूला डायरेक्टली बता देते हैं। रिजल्टेंट को आर से शो किया जाता है और रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है रिजल्टेंट आर इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर। ये फार्मूले से आप आसानी से रिजल्टेंट का मैग्नेट्यूड निकाल सकते हैं। देन आफ्टर रिजल्टेंट का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, इट मींस उसका एंगल थीटा। तो फाइंड आउट करने का फार्मूला है थीटा इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ, डिटरमिनेंट में लिखा जाता है समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई बाय समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये फार्मूले से आप आसानी से रिजल्टेंट का डायरेक्शन, इट मींस रिजल्टेंट कितना डिग्री से इंक्लाइन है, वो फाइंड आउट कर सकते हैं। देन आफ्टर हमें रिजल्टेंट का पोजीशन भी फाइंड आउट करना है। रिजल्टेंट का पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हमें वेरिग्नॉन थ्योरम का यूज करना होता है, वो भी हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये दो चीजें निकालते हैं। तो ये दोनों के लिए हमें समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई पहले निकालना पड़ेगा। तो चलो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स यहां पे हम लिखेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स जो हमें फाइंड आउट करना है, और देन हमें समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई ये भी हमें फाइंड आउट करना है। बिना समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई के आप ना ही रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आर निकाल सकते हैं, ना ही एंगल थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माने क्या है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स माने समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। यहां पे जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं उनका समेशन आपको यहां करना है। और समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई माने क्या, तो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई माने समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। यहां पे जितने भी वर्टिकल फोर्सेस हैं उनका समेशन आपको यहां करना है। लेकिन अगर आप यहां प्रॉपरली चेक करेंगे, जो टोटल तीन फोर्सेस है, तीन में से ये एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ये एक वर्टिकल फोर्स है, लेकिन ये जो फोर्स है 3 kN ये क्या है, तो ये इंक्लाइंड फोर्स है। तो इंक्लाइंड फोर्स का क्या, तो इंक्लाइंड फोर्स का डायरेक्टली समेशन नहीं होता, हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्लाइंड फोर्स को हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, इट मींस इंक्लाइंड फोर्स को हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो चलो ये जो 3 kN इंक्लाइंड फोर्स है इसको हम रिजॉल्व करेंगे। इंक्लाइंड फोर्स को रिजॉल्व करना इट मींस उसको दो पार्ट में डिवाइड करना, इट मींस उसके दो कंपोनेंट्स फाइंड आउट करना। तो ये देखिए ये जो 3 kN का इंक्लाइन फोर्स है इसका डायरेक्शन क्या है, ये आउटवर्ड है, आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो इसके जो दोनों कंपोनेंट्स रहेंगे उसका डायरेक्शन भी आउटवर्ड रहेगा, दैट इज अवे फ्रॉम द पॉइंट, आउटवर्ड फ्रॉम द पॉइंट। तो ये देखिए इस तरह से हमने उसके दो कंपोनेंट्स शो कर रहे हैं। ये जो 3 kN है ये कितना डिग्री से इंक्लाइन है, 30 डिग्री से इंक्लाइन है। एंगल हॉरिजॉन्टली एंगल दिया है, दैट इज हॉरिजॉन्टल साइड के साथ दिया है। तो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखेंगे cos 30 और वर्टिकल कंपोनेंट लिखेंगे sin 30। तो ये हो जाएगा दैट इज 3 cos ऑफ 30 डिग्री और वर्टिकल कंपोनेंट हम लिखेंगे 3 sin ऑफ 30 डिग्री। इस तरह से हमने इंक्लाइन फोर्स को यहां पे दो पार्ट में डिवाइड कर लिए, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये x कंपोनेंट, ये y कंपोनेंट। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो समेशन ऑफ f ऑफ x में जाएगा और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो समेशन ऑफ f ऑफ y में जाएगा। इंक्लाइन फोर्स को रिजॉल्व करते आपको आना चाहिए। इंक्लाइन फोर्स को कैसे रिजॉल्व करना उसके ऊपर हमने स्टार्टिंग में एक स्पेशल वीडियो बनाए थे, वो वीडियो आप देख लेना। इंक्लाइन फोर्स को कैसे डिफरेंट डिफरेंट वे से रिजॉल्व किया जाता है उसका पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल हमने ये इंक्लाइन फोर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर लिए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस, वर्टिकल कंपोनेंट साइन। हॉरिजॉन्टली कॉस इसलिए आया क्योंकि हॉरिजॉन्टल साइड के साथ एंगल 30 डिग्री है, इसलिए हॉरिजॉन्टली कॉस आया। तो फाइनली अब हम यहां पे समेशन यहां पे शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स करना है। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स हमने कहा था समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। अब यहां पे चेक करो कितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, तो अब यहां पे दो हॉरिजॉन्टल फोर्स है, एक है 1 kN और दूसरा है 3 kN, ये दोनों का समेशन। लेकिन हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का समेशन करने के लिए एक रूल है, रूल ऐसा है कि हॉरिजॉन्टली राइट साइड जाने वाले फोर्सेस को प्लस लेना है, राइट साइड जाने वाले प्लस, तो लेफ्ट साइड जाने वाले माइनस।
तो ये दोनों फोर्सेज जो है वो लेफ्ट साइड जा रहे हैं, तो दोनों को हम माइनस में लेंगे, तो माइनस ऑफ वन माइनस ऑफ थ्री कॉस ऑफ थर्टी। ठीक है, इसको हमें कैलकुलेटर में सॉल्व करना है। कैलकुलेटर जो है आपको डिग्री मोड में रखना है, माइनस वन माइनस थ्री कॉस ऑफ थर्टी ये हमने कैलकुलेटर में लिखा, तो ये आंसर आया है माइनस 3.598। तो हम लिखेंगे माइनस 3.598 किलोन्यूटन। किलोन्यूटन में हमने इसलिए लिखा है क्योंकि पूरा सिस्टम जो है वो किलोन्यूटन में है, तो हमें सॉल्व करते समय भी किलोन्यूटन में ही लिखना है। तो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स हमें मिल गया, और अब समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई की बारी। समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई माने समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस, यहां पे जितने भी ऐसे वर्टिकल फोर्सेस हैं उनका हमें समेशन करना है। कितने वर्टिकल फोर्सेस हैं? यहां पे सिर्फ दो वर्टिकल फोर्सेस हैं, एक है ये 2.5 किलोन्यूटन और दूसरा है 3 साइन ऑफ 30। तो ये दोनों का हमें समेशन करना है समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई में। और समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई का यहां पे रूल क्या है? समेशन का रूल ऐसा है कि वर्टिकली ऊपर जाने वाले फोर्सेस को हमें प्लस लेना है, ऊपर जाने वाले फोर्सेस प्लस तो नीचे आने वाले फोर्सेस माइनस। तो ये जो दोनों फोर्सेस है ये दोनों फोर्सेस वर्टिकली नीचे आ रहे हैं, तो दोनों को हमें माइनस में लेना है। तो हम लिखेंगे माइनस 2.5 माइनस 3 साइन ऑफ 30, और कैलकुलेटर में हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5 माइनस 3 साइन 30 इट मींस 1.5, दोनों का एडिशन करो तो ये हो गया माइनस ऑफ 4 किलो न्यूटन। तो फाइनली हमने समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई दोनों फाइंड आउट कर लिए, और ये दोनों का यूज करके अब हम आसानी से रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आर और एंगल थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलो यहां पे वैल्यू पुट अप कर लेंगे। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इट मींस 3.598 का स्क्वायर, और समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई स्क्वायर इट मींस 4 स्क्वायर। तो ये हम कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो आर मिल जाएगा। उसी के साथ साथ हम यहां पे भी पुट कर लेते हैं, तो यहां पे डिटरमिनेंट में हमें लिखना है, तो डिटरमिनेंट में देखो अब हमें माइनस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम डिटरमिनेंट में लिख रहे हैं, और अगर माइनस लिखेंगे भी तो भी जो आंसर है वो प्लस में ही आएगा। तो फाइनली यहां पे हमें आर और थीटा अब मिल जाएगा। एक बात ध्यान में रखो, यहां पे दोनों का आंसर माइनस में है, आपको यहां पे माइनस में पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहां एफ ऑफ एक्स स्क्वायर एफ ऑफ वाई स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, ऐसे में वो मेंशन करने की जरूरत नहीं है, और ये डिटरमिनेंट में है इसलिए भी हमें मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हमें इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करना है। अंडर रूट ऑफ 598 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये आ चुका है रिजल्टेंट, दैट इज 5.38। तो हम लिखेंगे रिजल्टेंट 5.38 किलो न्यूटन। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल गया, और एंगल की अगर बात करें तो टैन इनवर्स ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 3.598, तो ये आंसर आ चुका है 48.028, दैट इज 48.028 डिग्री। तो फाइनली क्वेश्चन में जो लिखा था उसके अकॉर्डिंग हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट का डायरेक्शन हमने यहां फाइंड आउट कर लिए, लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि क्वेश्चन में रिजल्टेंट का पोजीशन भी फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो चलो अब रिजल्टेंट का पोजीशन फाइंड आउट करते हैं, और रिजल्टेंट का पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए हमें वेरेग्नॉन थ्योरम का यूज करना होता है। वेरेग्नॉन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? वेरेग्नॉन थ्योरम का स्टेटमेंट ऐसा है कि दैट इज समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए इक्वल्स टू आर इंटू एक्स, ये वेरेग्नॉन थ्योरम का स्टेटमेंट रहेगा। बस इसी से हमें रिजल्टेंट का पोजीशन फाइंड आउट करना है। पोजीशन मतलब क्या? तो रिजल्टेंट का डिस्टेंस हमें पता करना है फ्रॉम पॉइंट ए। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए, इट मींस रिजल्टेंट ए पॉइंट से कितना दूर है, कितना डिस्टेंस है उसका ए पॉइंट से, वो हमें पता करना है। तो इट मींस हमें इनडायरेक्टली एक्स फाइंड आउट करना है, और अगर हमें एक्स फाइंड आउट करना है तो हमें आर और मोमेंट का वैल्यू पता होना चाहिए। तो आर का वैल्यू तो हमें पता है, ये देखिए आर इट मींस रिजल्टेंट, ये हमने फाइंड आउट किया है, ये हम यहां पे डायरेक्टली लिख सकते हैं। लेकिन मोमेंट का वैल्यू है क्या हमारे पास? नहीं है, मोमेंट नहीं है। तो ये हमने क्या लिखा है? समेशन ऑफ एम ए, इट मींस समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एट पॉइंट ए। हमने यहां पे ए पॉइंट क्यों लिया है? हमने इसीलिए लिया है क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में पोजीशन फाइंड आउट करना है, इसलिए हमने यहां पे पॉइंट ए लिया है। तो चलो यहां पे हम एक काम करते हैं, अगर यहां से एक्स फाइंड आउट करना है तो हमें सबसे पहले मोमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। आर तो हमें पता है, मोमेंट हमें नहीं पता, तो हमें ये मोमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो वो हम यहां पे फाइंड आउट करना शुरू करेंगे, समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए। और समेशन करने का रूल क्या है? समेशन करने का रूल है क्लॉकवाइज जाने वाले फोर्सेस को हमें प्लस लेना है। मोमेंट क्या होता है? मोमेंट एक ऐसा फोर्स होता है जो अप्लाई करने के बाद बॉडी या तो क्लॉकवाइज रोटेट करती है या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है। तो वही मोमेंट हमें यहां फाइंड आउट करना है, और मोमेंट का फार्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट समेशन का रूल दिया है, कुछ बुक्स में क्लॉकवाइज वाले प्लस ऐसा दिया है तो कुछ बुक्स में एंटी क्लॉकवाइज वाले प्लस ऐसा दिया है। आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो मेथड से बता रहे हैं आपको वही मेथड एग्जाम में फॉलो करना चाहिए। वैसे आप क्लॉकवाइज वाले प्लस लो या एंटी क्लॉकवाइज वाले प्लस लो, फाइनल जो आंसर है वो बिल्कुल एक ही आएगा।
आएगा आंसर, कोई भी मेथड से सॉल्व करो एक ही आएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम यहां पे क्लॉकवाइज वाले प्लस ऐसा रूल लेके हम सॉल्व कर रहे हैं। तो समेशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए, इट मींस यहां पे जितने भी फोर्सेस है सभी फोर्सेस का मोमेंट हमें ए पॉइंट पे लेना है। कितने फोर्सेस है यहां टोटल चेक करो, तो यहां टोटल चार फोर्सेस है, 1 kN, 2.5 kN, 3 cos 30, 3 sin 30, ऐसे टोटल चार फोर्सेस है। तो चारों का हमें मोमेंट लेना है एट पॉइंट ए। लेकिन मोमेंट का एक रूल है, मोमेंट का रूल ऐसा है कि मोमेंट आप जो पॉइंट पे अप्लाई करेंगे वो पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस जीरो। तो यहां पे चेक करो मोमेंट अगर आपने ए पॉइंट पे लिया है तो कितने फोर्सेस ए पॉइंट से पास हो रहे। मोमेंट आपने ए पॉइंट पे लिया है तो ए से पास होने वाले सभी फोर्सेस जीरो। तो मोमेंट हमने ए पे लिया है तो यहां ए से अभी फिलहाल सिर्फ एक ही फोर्स पास हो रहा है, कौन सा, वो है 3 sin 30। ये जो 3 sin 30 है ये A से पास हो रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर ये A से पास हो रहा है तो ये 3 sin 30 मोमेंट के इक्वेशन में नहीं आएगा। तो चार में से सिर्फ एक फोर्स जीरो हो गया, रिमेनिंग जो तीन फोर्सेस है वो सेफ है। रिमेनिंग जो तीन फोर्सेस है तीनों में से कोई भी A से पास नहीं हो रहा है, सिर्फ ये 3 sin 30 एक ही फोर्स A से पास हो रहा है। अब आपके मन में आएगा कि ये A से पास कैसे हो रहा है, तो सीधी सी बात है ये जो 3 kN का फोर्स है ये कहां से निकल रहा है, इट मीन उसका जनरेटिंग पॉइंट क्या है, तो ये B से निकल रहा है। देखो ऐसा B से निकल रहा है, ये जो 3 kN का फोर्स है ऐसा B से निकल रहा है। अगर ये फोर्स B से निकल रहा है इट मीन उसके जो दोनों कंपोनेंट्स है वो भी B से ही निकल रहे हैं, ये देखिए ऐसा, ठीक है, उसके दोनों कंपोनेंट्स ऐसे B से ही निकल रहे हैं। तो ये है 3 cos 30 और ये है 3 sin 30, हमने वो यहां पे शो किया है। शो कहीं पे भी करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने भले ही उसको यहां पे शो किया है लेकिन उसका जो जनरेटिंग पॉइंट है, जो ओरिजिन पॉइंट है वो ये है, यहां से वो निकल रहा है, ठीक है। तो 3 cos 30 ये निकल रहा है, 3 sin 30 ये निकल रहा है। तो ये जो 3 sin 30 निकल रहा है वो आगे चल के ए के तरफ जा रहा है। देखो मोमेंट हमने ए पे लिया है तो ये जो ये यहां पर रहेगा कॉस कंपोनेंट और ये है साइन कंपोनेंट, ओरिजिनल ये कॉस कंपोनेंट ये साइन कंपोनेंट, तो उसमें से ये जो साइन कंपोनेंट है ये ए के तरफ जा रहा है। मोमेंट का रूल है कि मोमेंट आपने जहां अप्लाई किया है वहां से पास होने वाले सभी फोर्सेस जीरो, वहां से आने जाने वाले सभी फोर्सेस जीरो। तो ये जो साइन वाला कंपोनेंट रहेगा ये साइन कंपोनेंट ए से पास होगा इसलिए वो जीरो हो गया, इट मीन उसका मोमेंट अबाउट पॉइंट ए जीरो हो गया, वो इसीलिए क्योंकि उसका डिस्टेंस जीरो है इसीलिए। तो फाइनली हमने ये साइन कंपोनेंट जीरो ले लिए, ये 3 cos 30 सेफ है मोमेंट के इक्वेशन में आएगा, 1 kN सेफ है मोमेंट के इक्वेशन में आएगा, 2.5 kN भी सेफ है ये भी मोमेंट के इक्वेशन में आएगा। तो चलो जो तीन फोर्सेस सेफ है उसको हम मोमेंट के इक्वेशन में लेंगे, लेकिन जब आप मोमेंट के इक्वेशन में लेंगे तो समेशन का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। समेशन का हमने आपको रूल बताया कि क्लॉकवाइज जाने वाले फोर्सेस प्लस, जो भी फोर्सेस ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है वो हमें प्लस में लेना है और जो एंटी क्लॉकवाइज है वो हमें माइनस में लेना है। चलो वन बाय वन चेक करते हैं क्लॉकवाइज कौन सा एंटी क्लॉकवाइज कौन सा। तो चेक करने के लिए आपको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन करना पड़ेगा, डेमोन्स्ट्रेशन करना काफी आसान है। जैसे आप सर्कल ड्रॉ करने के लिए कोई कंपास का यूज करते हैं तो बिल्कुल आपको वैसे ही आपको थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन करना है। ये दो फिंगर्स एज अ कंपास है ऐसा मान के चलो, तो मोमेंट आपने जहां लिया है वहां दोनों में से कोई भी एक फिंगर आपको रखना है और दूसरा फिंगर आपको फोर्स के डायरेक्शन में घुमाना है और अपने हाथ का मोमेंट आपको चेक करना है। चलो सबसे पहले 1 kN को चेक करता है कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। मोमेंट ए पे है तो हम क्या करेंगे, ये दोनों में से ये जो फिंगर है ये ए पे रखेंगे और ये फिंगर फोर्स के डायरेक्शन में घुमाएंगे। तो ये देखिए ये जो फिंगर है ये हम ए पे रखते हैं और ये 1 kN को चेक करना है, 1 kN लेफ्ट साइड जा रहा है तो जो दूसरा फिंगर है वो हम ऐसा लेफ्ट साइड में घुमाएंगे, ठीक है, ऐसा लेफ्ट साइड में घुमाएंगे और अपने हाथ का मूवमेंट चेक करो तो ये क्या हो रहा है, ये ऐसा एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। तो एंटी क्लॉकवाइज है तो हम लिखेंगे माइनस ऑफ 1 × ए से लेके 1 तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये कितना है 3 है। इनटू डिस्टेंस हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने आपको थोड़ी देर पहले मोमेंट का फार्मूला कहा था, मोमेंट इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये फोर्स इनटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, तो ये हमने लिख दिए यहां पे 3। हमेशा ध्यान में रखो कि हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए वर्टिकल डिस्टेंस लिखना है तो वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिखना है। हम आपको यहां लिख के दे देते हैं, देखो हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए हमेशा वर्टिकल डिस्टेंस लिखना है, ठीक है, उसी तरह से वर्टिकल फोर्स के लिए हमेशा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिखना है। ये हमेशा ध्यान में रखो, मोमेंट जब कभी भी कहीं कोई अप्लाई करता है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डिस्टेंस में कंफ्यूजन होता है कि डिस्टेंस कौन सा लेना, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेना या वर्टिकल डिस्टेंस लेना। तो डिस्टेंस का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो आपको यह हमेशा ध्यान में रखना है, हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए वर्टिकल डिस्टेंस तो वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, क्योंकि फोर्स और डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। तो ये 1 kN हॉरिजॉन्टल फोर्स था, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए हमने ये वर्टिकल डिस्टेंस लिखे, दैट इज 3, ठीक है,
ओके। और अब नेक्स्ट फोर्स की हम बात करेंगे, 3 cos 30। ये 3 cos और 3 sin में से ये जो sin कंपोनेंट है ये जीरो हो गया था, हमने कहा था कि ये जीरो हो गया, लेकिन cos कंपोनेंट सेफ है तो ये मोमेंट की इक्वेशन में आएगा। तो चलो देखते हैं ये 3 cos 30 ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो चेक करेंगे, चेक करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है। ये दोनों फिंगर में से ये जो फिंगर है ये हम ए पे रखते हैं और दूसरा फिंगर हम फोर्स के डायरेक्शन में घुमाते हैं। देखो फोर्स कहां जा रहा है, फोर्स लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो दूसरा फिंगर हमें लेफ्ट साइड में घुमाना है। सबसे पहले ये फिंगर हम ए पे रखते हैं, देखो हमने ए पे रखे और दूसरा फिंगर हमें लेफ्ट साइड में ऐसे घुमाना है, ऐसे। तो ये क्या हो रहा है, ऐसा 3 cos 30 ऐसा ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज है। देखो ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो हम इसको माइनस में लेंगे, तो हम लिखेंगे माइनस ऑफ 3 cos 30 इनटू डिस्टेंस ए से लेके 3 cos 30 तक का ये वर्टिकल डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस कितना है 6, तो हम लिखेंगे इनटू 6, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है और हॉरिजॉन्टल फोर्स के लिए वर्टिकल डिस्टेंस लिखना होता है रूल के अकॉर्डिंग, जैसा हमने आपको बताए थे। तो यहां पे हमने लिखे टोटल 6, ठीक है, ये 3 + 2 + 1 टोटल 6, ओके। और अब लास्ट फोर्स हम लेंगे कौन सा, 2.5 kN। चलो चेक करते हैं कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। 2.5 kN नीचे जा रहा है, तो चेक करने का तरीका वैसे ही है, मोमेंट ए पे है तो दोनों में से ये जो फिंगर है ये हम ए पे रखते हैं और दूसरा फिंगर फोर्स के डायरेक्शन में घुमाएंगे। फोर्स नीचे जा रहा है तो हाथ को भी हम नीचे घुमाएंगे, ये जो दूसरा फिंगर है वो हमें नीचे घुमाना है। मोमेंट ए पे है तो ये फिंगर हमने ए पे रखे और दूसरा फिंगर, देखो फोर्स ऐसा नीचे जा रहा है तो दूसरा फिंगर देखो हम ऐसा नीचे घुमा रहे हैं, और हाथ के मूवमेंट की तरफ देखो तो हाथ ये हमारा कैसे घूम रहा है, नीचे ऐसा क्लॉकवाइज जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ठीक है। तो ये 2.5 kN ऐसा ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज हो रहा है, तो ये हम लेंगे प्लस में, तो हम लिखेंगे दैट इज प्लस 2.5 इनटू डिस्टेंस कितना, तो डिस्टेंस हो जाएगा 1.5। कैसे, क्योंकि ये वर्टिकल फोर्स है, देखो ये वर्टिकल फोर्स है, तो वर्टिकल फोर्स के लिए हमने क्या कहा था, वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेना है, तो वर्टिकल फोर्स के लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और इसका डिस्टेंस ऑलरेडी दिया है 1.5, देखो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑलरेडी दिया है, ठीक है, तो हमने वो लिखा। तो फाइनली ये मोमेंट का इक्वेशन पूरा बनके तैयार है और अब बस हमें इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करना है, देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। तो ये हम लिखेंगे -3 cos 30 ब्रैकेट कंप्लीट इनटू 6 प्लस 2.5 इनटू दैट इज 1.5, तो ये आंसर आ चुका है दैट इज -14.838 kN। ठीक है, देखो यूनिट, देखो हमने क्या लिखे, यूनिट किलोन्यूटन मीटर इसलिए आया क्योंकि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, फोर्स किलोन्यूटन में है और डिस्टेंस मीटर में है, तो किलोन्यूटन मीटर। लेकिन ये जो मोमेंट का आंसर है ये माइनस में आया है, माइनस में आया, इसका मतलब ये है कि मोमेंट ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि हमने आपको कहा था कि क्लॉकवाइज वाले पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव साइन स्टैंड फॉर क्लॉकवाइज, नेगेटिव साइन स्टैंड फॉर एंटी क्लॉकवाइज। मोमेंट का आंसर नेगेटिव में आया है, इट मींस मोमेंट ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज है। तो हम एक काम करेंगे, यहां से ये नेगेटिव साइन को हटा देंगे, 14.838 किलोन्यूटन ऐसा लिखेंगे, किलोन्यूटन मीटर, और ब्रैकेट में अब लिख देंगे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, मोमेंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में। तो फाइनली हमें मोमेंट चाहिए था तो मोमेंट मिल गया। अब ये मोमेंट का वैल्यू यहां पुट करो, ये रिजल्टेंट का वैल्यू भी यहां पुट करो और अब एक्स फाइंड आउट करो बाय यूजिंग वेरिग्नॉन थ्योरम। तो चलो अब हम लिखेंगे, तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर बाय वेरिग्नॉन थ्योरम, बाय वेरिग्नॉन थ्योरम, वेरिग्नॉन थ्योरम का स्टेटमेंट, समीशन ऑफ मोमेंट एट पॉइंट ए इक्वल्स टू आर इनटू एक्स। और अब हमें यहां पे वैल्यूज पुट करना है, तो सबसे पहले मोमेंट का वैल्यू क्या है, 14.838 जो हमने फाइंड आउट किए थे, रिजल्टेंट का वैल्यू है 5.38 इनटू एक्स, और अब यहां से एक्स फाइंड आउट करना है, 14.838 को 5.38 से डिवाइड करो तो एक्स मिल जाएगा, तो हम ये एक्स यहां पे लिखते हैं साइड में, कैलकुलेटर में हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमने सॉल्व कर लिया है 2.757 मीटर, ये हमें x यहां पे मिल चुका है। क्वेश्चन में जो कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो सब कुछ हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, तो ये है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ये है रिजल्टेंट का डायरेक्शन, इट मींस रिजल्टेंट का एंगल, और ये हो गया रिजल्टेंट का डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए। लेकिन रिजल्टेंट का डिस्टेंस तो हमने फाइंड आउट कर लिए, लेकिन हमने रिजल्टेंट का पोजीशन अभी तक शो नहीं किए, तो अब हमें रिजल्टेंट का पोजीशन शो करना है। पोजीशन शो कहां पे करना है, तो ये जो डायग्राम है हमें इसी में रिजल्टेंट का पोजीशन शो करना है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। तो पोजीशन शो करने के लिए सबसे पहले रिजल्टेंट का क्वाड्रेंट चेक करो, क्वाड्रेंट टोटल 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं,
तो यहां पे चार में से कौन से क्वाड्रेंट में रिजल्टेंट रहेगा वो हमें पता करना है। तो ये कैसे पता करेंगे, तो काफी आसान है। उसके लिए समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई का साइन चेक करो। देखो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का आंसर देखो निगेटिव में है, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई ये भी निगेटिव में आया था, एफ ऑफ एक्स निगेटिव एफ ऑफ वाई निगेटिव निगेटिव निगेटिव, इट मीन्स रिजल्टेंट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, सभी क्वाड्रेंट के अपने अपने साइन होते हैं। देखो अगर आपको ये चीजें नहीं पता है तो आपको कुछ लिख के रख देना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा साइन पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव निगेटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव निगेटिव, इस तरह के सिंबल होते हैं। तो ये जो है एफ ऑफ एक्स निगेटिव एफ ऑफ वाई निगेटिव निगेटिव निगेटिव, इट मीन्स रिजल्टेंट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो हमें ये थर्ड क्वाड्रेंट यहां पे थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग रिजल्टेंट का हमें डायरेक्शन यहां शो करना पड़ेगा। तो ये देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में अगर रिजल्टेंट रहेगा तो उसका डायरेक्शन देखिए, हम यहां पे सबसे पहले क्वाड्रेंट शो करेंगे। ये देखिए ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस और रिजल्टेंट इनके बीच में रहेगा। ये देखिए रिजल्टेंट कुछ ऐसा रहेगा। तो ये रिजल्टेंट कितना डिग्री से इंक्लाइन है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमें पता है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दैट इज 5.38 किलो न्यूटन और रिजल्टेंट का एंगल है थीटा कितना 48.028। तो ये रिजल्टेंट इतना डिग्री से इंक्लाइन है। तो ये हमने यहां पे क्वाड्रेंट शो किया है, लेकिन प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि ये पोजीशन नहीं है। हमें ये जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन है वो यहां पे शो करना है, ये जो वर्टिकल पोल है हमें यहां पे शो करना है, ये इस टाइप का रिजल्टेंट ऐसे डायरेक्शन वाला रिजल्टेंट हमें यहां शो करना है। तो चलो अब ये कैसे शो करेंगे देखिए। तो ये देखिए रिजल्टेंट का पोजीशन शो करने के लिए हमने यहां पे वर्टिकल पोल ड्रॉ कर लिया है और ये वर्टिकल पोल के ऊपर जो हमने पहले तीन फोर्सेस शो किए थे वो अब हमें यहां शो नहीं करना है क्योंकि अब वो तीनों का रिजल्टेंट हमें यहां शो करना है। रिजल्टेंट हमने फाइंड आउट कर लिया है, रिजल्टेंट ये है, रिजल्टेंट इतना डिग्री से इंक्लाइन है और हमें ऐसे डायरेक्शन वाला रिजल्टेंट जो है वहां शो करना है, ऐसे डायरेक्शन वाला रिजल्टेंट, इट मींस थर्ड क्वाड्रेंट के डायरेक्शन वाला रिजल्टेंट यहां शो करना है। लेकिन रिजल्टेंट शो करते समय यहां पे दो ऑप्शंस आएंगे, या तो आप रिजल्टेंट ए पॉइंट के ऊपर से शो कर सकते हैं या तो नीचे से शो कर सकते हैं। अब ये दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा वो आपको यहां पे कंफर्म करना है, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आप रिजल्टेंट ए पॉइंट के नीचे से शो करेंगे तो ऐसा जाएगा और अगर आप रिजल्टेंट ए पॉइंट के ऊपर से शो करेंगे तो आप यहां पे शो कर सकते हैं, ये देखिए ऐसा शो कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये दोनों में से कोई भी एक रिजल्टेंट करेक्ट हो सकता है, या तो ये करेक्ट होगा या तो ये करेक्ट होगा। ये हमें कैसे पता चलेगा, इसके लिए हमें मोमेंट चेक करना पड़ेगा कि मोमेंट जो हमने फाइंड आउट किए थे वो क्लॉकवाइज आया था या एंटी क्लॉकवाइज आया था। तो ये देखिए मोमेंट हमने जो थोड़ी देर पहले फाइंड आउट किए थे वो मोमेंट क्या आया था, हमने यहां पर ब्रैकेट में लिखा भी है, ये एंटी क्लॉकवाइज आया था। तो अगर मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज आया था तो रिजल्टेंट जो आप शो करोगे वो भी ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज ही शो करेंगे। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपको मोमेंट को देखना है कि मोमेंट क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। अगर मोमेंट क्लॉकवाइज है तो आपको रिजल्टेंट ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऐसा क्लॉकवाइज शो करना है, अगर मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है तो ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपको रिजल्टेंट एंटी क्लॉकवाइज शो करना है। तो फाइनली ये तो कंफर्म हो गया कि यहां पे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, तो ऐसे में यहां पे हमें ये दोनों को चेक करना पड़ेगा कि ये दोनों में से ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज कौन है। जो भी एंटी क्लॉकवाइज है हमें वो रखना है और क्लॉकवाइज वाले को रिमूव करना है। मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है तो हमें रिजल्टेंट भी एंटी क्लॉकवाइज रखना है। तो चलो चेक करते हैं कि ये दोनों में से कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है। कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए आपको फिर से डेमोंस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जैसे हमने मोमेंट के इक्वेशन में थोड़ा डेमोंस्ट्रेशन किए थे बिल्कुल वैसा ही। हम क्या करेंगे, ये दोनों में से एक जो फिंगर है वो हम ए पे रखेंगे और दूसरा फिंगर फोर्स के डायरेक्शन में घुमाएंगे और देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज कौन सा बनता है। सबसे पहले नीचे वाले फोर्स को चेक करो, अगर हमने नीचे का रिजल्टेंट अगर हमने रिजल्टेंट ये रखे तो क्या वो क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉकवाइज। मोमेंट ए पे है तो देखो हम यहां पे फिंगर जो है वो हम ए पे रखते हैं और ये जो रिजल्टेंट है ये ऐसा ए के नीचे से ऐसा जा रहा है। ठीक है, तो फोर्स जहां जा रहा है वहां पे आप दूसरा फिंगर ऐसे घुमाओ तो ये क्या हो रहा है, ये ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऐसा क्लॉकवाइज हो रहा है। ठीक है, ये जो रिजल्टेंट है नीचे का ये ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है, हमें वो नहीं चाहिए, हमें एंटी क्लॉकवाइज वाला चाहिए। तो चलो हम ऊपर वाला जो रिजल्टेंट है इसको भी चेक कर लेते हैं। तो मोमेंट जो है अब हम एक काम करेंगे, ये दोनों में से ये जो फिंगर है ये हम ए पे रखेंगे और ये फिंगर फोर्स के डायरेक्शन में घुमाएंगे। ये फिंगर हम ए पे इसलिए रख रहे हैं क्योंकि फोर्स जो है यहां पे पॉइंट जो है वो इधर राइट साइड में है और फोर्स जो है लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड में फोर्स है तो हम लेफ्ट साइड का फिंगर फ्री रखेंगे। तो ये जो फिंगर है ये हमने ए पे रखे और जो दूसरा फिंगर है वो हम फोर्स के डायरेक्शन में घुमाएंगे। देखो फोर्स इधर जा रहा है, ऐसे फोर्स ऐसे जा रहा है तो हाथ को ऐसे घुमाओ। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये ऐसा हमारे हाथ का मूवमेंट चेक करो, ये क्या हो रहा है, ये ऐसा एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। ठीक है, ऐसा
ऐसा एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, इट मींस जो ऊपर वाला जो रिजल्टेंट है वो ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज है, ये कंफर्म है। तो ये रिजल्टेंट करेक्ट है, ये रिजल्टेंट रॉन्ग है। तो ये हमने रिजल्टेंट रखेंगे और नीचे का जो रिजल्टेंट है वो हम इरेज करेंगे और यहां पे अब हम रिजल्टेंट का डिस्टेंस शो करेंगे फ्रॉम पॉइंट ए। रिजल्टेंट ए पॉइंट से कितना दूर है? रिजल्टेंट ए पॉइंट से एक्स मीटर दूर है। तो ये देखिए फाइनली हमने रिजल्टेंट का पोजीशन यहां पूरी तरह से शो कर लिया है। ये है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, ये रिजल्टेंट का एंगल जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ है, ये रिजल्टेंट का डायरेक्शन और ये रिजल्टेंट ए पॉइंट से इतना दूर है। तो ये हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पे शो कर लिया है। ये जो हमने थोड़ी देर पहले यहां पे क्वाड्रेंट यहां पे चेक किए थे, ये क्वाड्रेंट चेक करना सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वाड्रेंट चेक नहीं करते हैं और डायरेक्टली पोजीशन शो करते हैं, नहीं, पहले हमेशा क्वाड्रेंट चेक करो। क्वाड्रेंट चेक करने से हमें यह पता चलता है कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है, इट मींस उसका वे ऑफ एक्शन क्या है। हमने थर्ड क्वाड्रेंट से यह पता किए कि रिजल्टेंट का वे ऑफ एक्शन ऐसा है, तो ऐसे वे ऑफ एक्शन वाला रिजल्टेंट हमने वहां पे शो करना था, तो इसलिए हमने ये ऐसा शो किया है। ठीक है, तो फाइनली ये पोजीशन यहां पे कंप्लीट हो चुका है। एग्जाम में अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा तो आपको रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और ये पोजीशन ये पूरा ऐसा शो करना है। अगर आप सिर्फ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो आपको सिर्फ हाफ मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप पोजीशन शो करके आएंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो फाइनली ये प्रॉब्लम पूरा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। ये प्रॉब्लम आपको अपने प्रैक्टिस बुक में याद से प्रैक्टिस करके देख लेना चाहिए। ये था वेरिग्नॉन थ्योरम का आज का प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नंबर 6। इसके पहले जो हमने इसके 5 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए और इसके आने वाले वीडियोस में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पर क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए। कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।